आप देख रहे हैं YouTube चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंदर सर, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था बिग इनसाइड माइक्रोमीटर, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्लास में मैं आपको करवाऊंगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रीडिंग 113.59 mm कि 113.59 mm अगर हमने नापना है इनसाइड माइक्रोमीटर से तो हम कैसे नापेंगे। इसके लिए हमें 113.59 के लिए सबसे पहले हमें 100 से 125 mm की क्या चाहिएगी, एक्सटेंशन रोड की चाहिएगी। 100 से 125 mm की एक्सटेंशन रोड चाहिएगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करें हम, कितना नापें, 100 mm की एक्सटेंशन रोड, ठीक है। प्लस अब 113 और चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, 12 mm का स्पेसिक कॉलर, तो 12 mm और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। 12 mm और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इससे कितने बच गया, 1.112 हो गया, एक और चाहिए। एक हम क्या करेंगे, बैरल का 1 mm और आगे खोलेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 mm और इसमें ऐड हो जाएगा, तो उससे 113 mm हो गए आगे के, और उससे आगे 5.9 और करना है, तो 1 mm खुल गया। 5.5 कितने में होता है, एक जो सब डिवीजन होता है बैरल का वो हो जाएगा 0.5, तो एक सब डिवीजन और, तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 113.5 हो गया, ठीक है। अभी हमें 90 माइक्रोन और खोलना है, तो कितना हो जाएगा, थिम्बल के 9 डिवीजन, थिम्बल डिवीजन कितने, 9 और खोल देंगे, तो उससे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0.09, ठीक है। और फिर अब हम इनको सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ कितना हो जाए, 5, और यहाँ कितना होगा, 3 1 1, तो कितना हो गया, 113.59 हम इस तरह से इनसाइड माइक्रोमीटर से नापेंगे, ठीक है। अब हमें रीडिंग लेनी है 140.75 mm की, ठीक है। ये और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे लेंगे। तो 140.75 की है ना, तो इसके लिए हमें कौन सी एक्सटेंशन रोड चाहिएगी, 125 to 150 mm की, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, सबसे पहले कितना आएगा, 125 mm जो एक्सटेंशन रोड है, 125 mm, ठीक है। उससे आगे कितना है, 140 है, तो यानी कि 12 mm का स्पेसी कॉलर, कितना हो जाएगा, 12 mm का स्पेसी कॉलर, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे कि कितना हो गया, 137 हो गया, ठीक है। 125 और 12, 137, 137 से आगे 3 और चलेंगे, तो बैरल के 3 डिवीजन, मैन डिवीजन आगे, 3 mm बैरल पे हम आगे खोलेंगे। बैरल के ऊपर कितने एमएम तक की ग्रेजुएशन होती है, 13 mm तक की होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 mm आगे चले गए बैरल पे, अब आगे आता है 0.7, तो 1.7 का मतलब क्या है कि एक जो बैरल का है सब डिवीजन और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सब डिवीजन, 0.5, ठीक है। अब कितना बच गया, 0.25 और आगे चलना है, तो हमारे जो थिम्बल डिवीजन है उसके 25, कितने, 25 के इसकी सीध में आएगा, 25 जो थिम्बल डिवीजन है वो आगे और चलना है, कितना और, 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का कितना हो जाएगा, 250 माइक्रोन, कितना हो जाएगा, 250 माइक्रोन, क्योंकि एक थिम्बल डिवीजन की कितना वैल्यू होती है, उसकी होती है 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन, जो हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, और या 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 3 रेखे 4, 140.75। तो आपने इस तरह से इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। यदि आपको कोई समझ में न आए तो आपने कमेंट कर देना है और पूछना है, सर यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।